हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। तो कैसे हो आप? आज हम करेंगे माइनिंग, जो हमने कल माइनिंग के लिए केव बनाई थी वहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल जो बाद में जो निशान लगाए थे वहाँ तक मैंने सब एरिया क्लियर कर दिया, और तीन चेस्ट, एक क्राफ्टिंग टेबल और एक फर्नेस भी जहाँ पर रख दिया, ताँ जो हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े माइनिंग करते वक्त। तो अब हम ऐसा करेंगे, पहले तो हम इन कोनों से शुरुआत करते हैं। मैं इन कोनों के बीच में 8 ब्लॉक माइनिंग करूंगा। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं 8 ही करूंगा फ़िलहाल की। और ये हमें वो गोल्ड दिख रहा है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। 8 ब्लॉक माइनिंग करते हैं। आपको एक ना स्पेशल एरिया जेड़ा ना क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप बेहिसाबा माइनिंग करेंगे तो उसका आप इतनी सफाई ही नहीं रहेगी, और आप माइनिंग करते वक्त घूम भी सकते हो, घूम जाने की गवाच भी सकते हो। इसलिए हमेशा कोई स्पेसिफिक वे में ही माइनिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना कि आप माइनिंग, आप जहाँ भी आपको कोई कीमती चीज़ मिलती है आप वहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर वो कीमती चीज़ निकालने के बाद कोई ऐसी चीज़ जैसे कोबल स्टोन वगैरह भर, उससे आप वो जगह भर दें ताकि वो देखने में अच्छा लगे। बस यही कहना था मुझे, बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। मैं होर तानू इतना नाले टाइम टू टाइम लाइटिंग टॉर्च जरूर लगाते जाना, क्योंकि क्रीपर्स बहुत जल्दी अंधेरे में आते हैं, स्पॉन करते हैं। ये गोल्ड, गोल्ड के हमें 2 मिले हैं बॉक्स, और ये हम बाद में माइन करेंगे। इसे माइन करने के लिए हमें चाहिए आयरन पिकैक्स, वुड, जैसे कि ये रेड स्टोन वगैरह, ये हम बाद में सभी निकाल देंगे जहाँ से। फिर अब दूसरे कोने की और भी मैं 8 बॉक्स ब्लॉक्स माइनिंग करूँगा आगे। माइनिंग के बाद ना जैसे जो भी रिसोर्सेज है वो हम चेस्ट में रख देंगे। आज हम सिर्फ यही करेंगे, और अगले एपिसोड में हम करेंगे फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। वो हमें डायमंड भी मिला, डायमंड ये बहुत कीमती होता है माइनक्राफ्ट में, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता, इसलिए माइन डायमंड बहुत लकी है हम कि हमें जल्दी से डायमंड मिल गया। वैसे तो शायद मिलता नहीं है। चलो हम आयरन पिकैक्स से डायमंड निकालते हैं। डायमंड भी आयरन पिकैक्स से ही निकलेगा, स्टोन पिकैक्स से मत निकालने की कोशिश करना, नहीं तो डायमंड खराब मिलेगा नहीं हमें। एक ब्लॉक और है डायमंड का, पहले तो मैं एरिया क्लियर कर लूँ, फिर देखते हैं। पहले ये हम अपने रिपेयर करेंगे पहले तो, ताकि जो हमारी स्टोन पिकैक्स है वो टूट ना जाए। तो ये चलो चलते हैं आगे, ये भी हम डायमंड निकालेंगे। 8 ब्लॉक खुदाई करनी है हमें जहाँ पर भी, जितनी भी करनी है। अभी तो हमें 8-8 ब्लॉक करनी है, हमें तो सिर्फ रास्ता बनाना है अभी तो बस, लेकिन आगे आप जितनी चाहे कर सकते हो।
बस ध्यान रखना कि कोई केव ना रास्ते में आए तो उससे बचना, और कोई नदी है तो उससे भी अगर मिलती है रास्ते में माइनिंग करते वक्त तो वो ब्लॉक्स बंद कर दो, वहाँ पर माइनिंग करना बंद कर दो, नहीं तो हमारी सारी के सभी के जो भी के हमें माइनिंग की माइन केव क्रिएट की है वो सभी पानी से भर जाएगी। हमें एक ब्लॉक और डायमंड मिला था, अभी यहाँ पर फ्लोर पर है कहीं पर, वो देखो वो है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। डायमंड को नहीं छोड़ना कभी भी, डायमंड गोल्ड ये बाकी की हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करते जाएंगे। तो चारे कोनों पर ऐसे ही करना है, करने के बाद मैं मिलता हूँ। मैंने गोल्ड भी निकाल लिया, गोल्ड भी निकालने के बाद मैं पहले गोल्ड निकाल लेता हूँ सभी का सभी, फिर इस जगह को फिर से भर दूंगा ताँ जो देखने में अच्छा लगे, बस दिखने में अच्छा लगना चाहिए। इसलिए मैं ये जो माइनिंग की थी वो गोल्ड के लिए वो भर दिया। अब मैं दूसरे कोने की ओर चलता हूँ, तीसरे, तीसरे में हमें मिले 3 डायमंड ते 9 गोल्ड ओर। गोल्ड से हमें गोल्ड ओर मिलता है जैसे आयन से मिलता है, आयन माइनिंग करते वक्त इसे भी हमें मेल्ट करना पड़ेगा गोल्ड को भी, जैसे आयन को किया था। तो ये भी मैं पूरा करके तुम आपसे मिलता हूँ। ये मैंने सभी चारे कोनों पर 8 ब्लॉक माइनिंग कर ली है, रास्ता बन गया है। अब मैं ऐसा करूँगा, ये जो दीवारें हैं दीवारों के बीच में, जैसे कि ये है 7 ब्लॉक 14 ब्लॉक्स, 14 ब्लॉक्स की दीवार है तो हमें 7 ब्लॉक्स माइनिंग करनी है इसके आध भी, हाँ इसके आध में माइनिंग करनी है 7 ब्लॉक्स। ये रहा हमारा 7 ब्लॉक्स, ते ये रेड स्टोन है, ये भी हमें आयरन पिकेक्स से मिलेगा। हमें ये जगह बहुत ही लकीली मिल गई जहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है वो भी आसानी से, और हमें क्या चाहिए। ये मैं सारा रेड स्टोन निकाल लेता हूँ पहले, फिर इस जगह को भर दूंगा जो मैंने फालतू में माइनिंग की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं कोबल ले लेता हूँ इसे भरने के लिए। तो इन चारों चारों दीवारों के बीच भी 8-8 ब्लॉक माइनिंग करनी है। माइनिंग करके आज के लिए बस इतना ठीक है, माइनिंग करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आज का एपिसोड? उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, लगा होगा तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके मुझे बताओ मेरे में क्या कमी है तो वो मैं सुधारूं। अगर आपको कोई माइनक्राफ्ट में कुछ स्पेशल चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताँ जो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी एक हेल्प की लोड़ है, आप सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें 1,000 सब्सक्राइब पूरे करने हैं, तो
तो प्लीज़ प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब कराएं मेरे, और इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक अगले एपिसोड में, जो हम फार्मिंग पर करेंगे। तो ओके, सी यू गाइस। ऑन ऐसे ही अपना प्यार देते रहना।